तो अपने फ़ोटो को एड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर टूल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको विंटेज प्लेट टूल पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको 12 नंबर पर क्लिक कर देना है, मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसकी सेचुरेशन को -100 कर लेना है। तो यहाँ पे मैं -100 कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी स्टाइलिश को भी थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ इसको। इसके बाद इसकी विगनेट को थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ। तो प्लस कर लेने के बाद आपको यहाँ से नीचे से राइट कर देना है। एंड कैसे इसके बाद आपको ऊपर वाले इरेजर के टूल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से विंटेक को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इरेजर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट को कुछ इस तरह से इरेज कर देना है। तो यहाँ से मैं अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। 2000 years later. तो यहाँ पे अपना इरेज हो चुका है। तो आप भी अपने फोटो को कुछ इस तरह से इरेज कर देना है धीरे धीरे से। सो गाइस, इसके बाद राइट क्लिक कर लेना है नीचे से। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो इसके बाद आप लोग को करना क्या है, आपको यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे अगेन क्लिक कर देना है। तो पेंसिल पर क्लिक करते ही आप लोगों को टूल ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो पर क्लिक करके MP40 का PNG को ऐड कर लेना है। सो वैसे भी PNG का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से इसको ऐड कर लेना है। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग मोड को लाइटिंग कर देना है। एंड गाइस, लाइटिंग कर लेने के बाद इसकी ओपासिटी को थोड़ा सा प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी ओपासिटी को थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ से नीचे से राइट कर देना है। तो आप लोगों को राइट करने के बाद आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक करके इसके बाद व्यू एडिट पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्वर्ट कर देना है। तो इन्वर्ट करने के बाद आपको इसकी ब्रश की हार्डनेस को माइनस कर देना है 0। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है। तो इरेज हो जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे से राइट कर देना है। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से ऊपर से बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अगेन आप लोगों को पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगेन आप लोगों को डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना है। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके एक PNG को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को लाइटिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना है नीचे से। तो राइट क्लिक करने के बाद अगेन आप लोगों को पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके अगेन आप एक PNG को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से इसको अपने फ़ोटो के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ब्लेंडिंग मोड को लाइटिंग कर लेना है। तो लाइटिंग करने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है नीचे से। तो इसके बाद आप लोगों को ऊपर वाले इरेजर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं इरेजर पर क्लिक कर लेता हूँ। इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको ब्रश वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से नीचे से इन्वर्ट कर देना है। इसके बाद इसकी ब्रश की ओपेसिटी को -0 कर देना है। इसके बाद अपने फेस के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से ब्रश चला लेने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद आपको पेंसिल वाला आइकॉन पर अगेन क्लिक कर देना है। इसके बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को एक MP40 का टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से अपने फ़ोटो के ऊपर ऐड कर लेना है। इसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को ऐड कर देना है, सॉरी ऐड या फिर लाइटिंग दोनों कर लेना है। इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना नीचे से। तो गाइस, यहाँ पे अपना फोटो पूरा हो चुका है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अपना फोटो कितना ऑसम दिख रहा है। सो गाइस, इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह के न्यू कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग वीडियो जब मैं अपलोड करूँ इस चैनल पर, तो हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक आते रहेगी। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज कर देना है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।